हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड चैनल, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो हम आज फॉर्मल जो है तरीका कम्युनिकेशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से एग्जिस्ट करता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर आने के बाद, जो कि है कॉमर्स पाठशाला, यहाँ पर आने के बाद आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेड कलर का बटन शो करेगा, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर आपको जो है ये बेल आइकन है जो है इसे दबाना है, और फिर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोटिफिकेशन को मिस ना करें, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच नहीं पाएगी, तो फिर आप उन वीडियोस को देख नहीं पाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो आप हमारे पास से क्लासेस कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक तरह से क्लासेस के लिए बनाई गई है, क्लासेस का एक तरह से ऑल्टरनेटिव आप बोल सकते हो, जहाँ पे आपको क्लासेस नहीं करनी होगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो है 24/7 सर्विस मिलेगा, जब तक कि आपका जो है कोर्स जो है खत्म नहीं हो जाता। तो काम क्या है, आपको सिंपल सा करना है, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नो बीकॉम में जाना है, और फिर इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है 119 रुपीज का, जिसके बाद आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। फी पेमेंट करने के बाद नीचे की तरफ आपको आना है, और यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको शो करेगा, जिसको ज्वाइन करके आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। ये देखो हमारा ये होम है, हमारे चैनल पे जब आप आएंगे कॉमर्स की पाठशाला के, नीचे की तरफ आपको जाना है इग्नू बीकॉम न्यू में, ठीक है ना। आप इग्नू बीकॉम न्यू से बिलोंग करते हैं, इग्नू बीकॉम ओल्ड भी है हमारे पास, पर वो पुराना कोर्स था, तो जो स्टूडेंट अभी इग्नू बीकॉम ओल्ड में स्टडी कर रहे हैं वो उनसे करेंगे वीडियोस, पर जो जिनका एडमिशन 2020 में हुआ है या उसके बाद हुआ है, वो डेफिनेटली इग्नू बीकॉम न्यू में आएंगे, ठीक है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी वीडियोज यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, जिनके अंदर ढेरों वीडियोज हैं, जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। और थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर तक का वीडियो जो है मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया। सिक्स सेमेस्टर के अभी तक बुक्स नहीं आए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेकिन चूंकि वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड नहीं है तो शो नहीं हो रहा। बुक्स जैसे ही आएंगे मैं वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, और ये एग्जाम खत्म होते ही मैं थर्ड ईयर का जो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर उसको स्टार्ट करूंगा फिलअप करना, आई मीन वीडियोज बनाना। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी वीडियोज जो है मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद की, विच इज अबाउट द फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर प्राइमरली टू टाइप्स ऑफ चैनल्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लेट अस लर्न इन डिटेल, ठीक है। तो फॉर्मल, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू प्री डिफाइंड फॉर्मल चैनल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक किस्म का कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो, जो कि प्री डिफाइंड जो फॉर्मल चैनल है उसके थ्रू किया जाता है। मतलब पहले से आपको बता दी गई है कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको इस तरीके से जाना होगा, है ना, आपको इस माध्यम से जाना होगा। तो ये जो पहले से बता दिया जाता है कि आपको इस तरीके से करना होगा, ये एक ऑफिशियल माध्यम होता है, जो कि सारे के सारे एम्प्लॉइज को एक तरीके से अलाउ, मतलब उसका इस्तेमाल करना होता है ना। तो फॉर्मल का मतलब हो गया कोई एक चीज जो कि प्री डिटरमाइंड है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बता करके रखी है कि अगर आपको कम्युनिकेट करना होगा तो फिर आप इस माध्यम से कर सकते हैं। तो उस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। Now, formal communication is typically sent by top management to various departments that forward it to the respective lower level employees. तो जो formal communication होता है, generally वो क्या होता है? वो typically send किया जाता है informations को, communication को from the management, top level management से आप तक management के द्वारा send किया जाता है, ताकि ये different departments में पहुंचे, different departments को भेजा जाता है, और फिर different departments से इसको forward कर दिया जाता है respective lower level employees को। तो जो lower level के employees होते हैं, उन तक फिर इस communication को पहुंचा दिया जाता है। तो ये जनरली स्टार्ट कहाँ से हुआ? टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ, डिपार्टमेंट में गया, और डिपार्टमेंट से फिर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज में चला गया कम्युनिकेशन। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर को फॉलो करता है अपने काम को करने के लिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स इंक्लूड गोल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो एक तरीके से जो 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 ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो गोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनका एक तरीके से इस्तेमाल करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए वो जो है कम्युनिकेशन करती हैं,
ठीक है ना, इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसका है कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है कि फॉर्मल टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में आप बताएं और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएं। तो चलिए फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, इट ऑकर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क होता है ये उसी के विद इन काम करता है, उसी के विद इन जो है ये ऑकर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कम्युनिकेशन, है ना। इट मेंटेन्स फॉर्मल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो फॉर्मल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि आपको इनको अप्लाई करना है, फिर इनको अप्लाई करना है, फिर उनको अप्लाई करना है, तब आप अपनी बात को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा पाओगे। मैं नीचे से ऊपर की बात कर रहा हूँ, और अगर टॉप लेवल से नीचे की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट को यू नो एक तरीके से कम्युनिकेट करेगा, फिर डिपार्टमेंट जो है अपने लेटर पैड पे जो है क्लिक करके फिर उस चीज को कम्युनिकेट करेगा टू द लोअर लेवल एम्प्लॉइज। सो इसका ना एक फॉर्मल रूल्स है, फॉर्मल यू नो तरीका है जिसके जरिए जो है कम्युनिकेशन की जाती है, राइट। इट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज, है ना। तो इसका इस्तेमाल जो है एक तरीके से प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट्स थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब एक तरीके से अथॉरिटी दी जा सकती है यू नो अपने सबॉर्डिनेट्स को इस कम्युनिकेशन के माध्यम से। फॉर्म जब आपको किसी को कुछ बनाना होगा, सपोज मैं मुझे किसी को सीईओ बनाना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाना, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का सहारा लूंगा, एक ऑफिशियल नोटिस लिखूंगा जिसको लिख करके मैं उस सबॉर्डिनेट तक पहुंचा दूंगा कि भाई देखो तुम्हें प्रमोट किया गया है, प्रमोशन दिया गया है अपने जॉब में, है ना। सो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी दी जा सकती है यू नो सबॉर्डिनेट्स को थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। It has written record and can be used as evidence. अब ये एक तरह का written record भी होता है और इसका as a you know evidence भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हमारा formal communication हो गया, formal communication के characteristics हो गए। अब देख लेते हैं एक figure के माध्यम से कि किस तरीके से इसको किया जाता है। तो देखो इस तरीके से एक letter head पे letter लिखा जाएगा, ये address दिया हुआ है देखो, है ना, और यहाँ पे देखो एक letter लिखा हुआ है, ये formal communication है, ठीक है। ये एक तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन है, देखो मिरिंडा लॉसन डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग मास एयरलाइंस इनक्लोजर 3 सैंपल ऑफ प्रिंट एडवर्टीजमेंट। तो इस तरीके से यू नो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है, फॉर्मल रूप में जैसे बातचीत होती है उस तरीके से एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसके जरिए जो है चीजें बताई जाती है एम्प्लॉइज को, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने यू नो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो कैसे होता है और उसके क्या क्या यू नो फीचर्स हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।